हरे कृष्णा विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को आज मैं लेके चलता हूं करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ के सेशन वन की यात्रा पर। दोस्तों, सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले मेरी आप लोगों से एक विनम्र अपील। अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 पास किए विद्यार्थी हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप अंत तक देखें, ताकि आपकी कक्षा 10 के बाद में आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर के, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को लेकर के एक बेहतर समझ विकसित हो सके। और अगर आप कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण किए विद्यार्थी नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिन्होंने अभी हाल ही में कक्षा 10 या कक्षा 12 उत्तीर्ण की है। उन सभी तक यह वीडियो पहुंचेगा तो उन्हें अपने करियर से संबंधित निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ इस कार्यक्रम का पहला सेशन, जो कि आधारित है आर्ट्स यानी कि कला संकाय यानी कि ह्यूमैनिटीज मानविकी संकाय पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्ट्स या कला जो संकाय है, जिसे मानविकी के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या है और इसमें कौन कौन सी विषय आती है, किस आधार पर हमें विषयों का चुनाव करना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और कुछ विशेष बिंदु जो कि आपको अपने करियर को डिसाइड करते समय ध्यान में रखने हैं, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम परिचय, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपने 10वीं कक्षा पास की है तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम का भी चुनाव कर सकते हैं और आप साइंस स्ट्रीम का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मुझे साइंस लेनी चाहिए, मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए या मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए। इस सेशन के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी आर्ट्स लेना चाहता है तो उसे कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्या आर्ट्स स्ट्रीम उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, कैसे वह इस बात को तय करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्ट्स जो संकाय है इसके बारे में हम जानते हैं। आर्ट्स का मतलब है कि कला क्षेत्र, यानी कि इंसान की कलात्मक पक्ष से जुड़े हुए जो विषय हैं वो इसमें आते हैं, साहित्य से संबंधित विषय इसमें आते हैं और भी जैसे हमारा जो समाज है यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है उससे संबंधित विषय इसमें आते हैं, समाज शास्त्र से संबंधित, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और भी इस तरह की जो मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जितने भी विषय एक शिक्षा के रूप में उपयोगी हैं, उन सभी का समावेश आर्ट्स या मानविकी संकाय के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसके सभी विषय मानव से या मानव के सामाजिक जीवन से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे मानविकी इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो मानविकी नाम है कला संकाय का, वो इसी वजह से है क्योंकि इस संकाय के अधिकांश जो विषय है वो मानव के सामाजिक स्वरूप से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, यहां तक कि इसमें मानव का जो आध्यात्मिक यात्रा है यानी कि दर्शन, मानव का व्यवहार पक्ष यानी कि मनोविज्ञान और इस तरह के अनेक जो विषय हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें हम जानेंगे कि आर्ट्स संकाय में कौन कौन सी विषय है और उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा और साहित्य। अगर आपकी साहित्य में रुचि है, आपको बचपन से ही कविताओं में, कहानियों में या अन्य जो लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं उन्हें पढ़ने में, कुछ कविताएं रचने में इस तरह से आपको रुचि है, आपको दूसरों की रची हुई कविताएं पसंद आती हैं, आप उन्हें आनंद के साथ में सुनते हैं, पढ़ते हैं और आप एक सदैव जिज्ञासा बनी रहती है आपके मन में भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, तो आपके लिए आर्ट्स संकाय सबसे उपयुक्त है। आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं भाषा और साहित्य में भारत की जो सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृत। तो संस्कृत आपको एक ऑप्शन के रूप में मिलती है, हिंदी और इसके साथ में अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो आपको एक ऑप्शन के रूप में यहाँ पर आर्ट्स संकाय में उपलब्ध होती है। संस्कृत जो विषय है इसके बारे में हम जानते हैं कि यह एक पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है, देववाणी से कहते हैं,
और अभी हाल ही में हुई स्टडीज के आधार पर सुपर कंप्यूटर्स के लिए सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक उपयुक्त भाषा के रूप में भी संस्कृत को पहचाना गया है। सबसे समृद्ध व्याकरण अगर किसी भाषा का है तो वह संस्कृत है, और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत है। तो अगर आप संस्कृत में रुचि रखते हैं तो आपको संस्कृत भाषा का चुनाव करना चाहिए। हिंदी भाषा बहुत प्रचलित भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उत्तर भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और इसका समृद्ध साहित्य है। इसी तरह से जो हमारी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं होती है उनका उत्कृष्ट साहित्य होता है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण उन्होंने अनेकानेक वर्षों से किया है। तो ऐसी भाषाओं का चुनाव करके जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे मराठी, गुजराती, राजस्थानी और भी जो तेलुगु, तमिल, जो भारत की क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाएं हैं, उनका भी आप अध्ययन एक विषय के रूप में कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत को एक विषय के रूप में चुनते हैं तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े व्याकरण शास्त्री हैं, पाणिनि, पतंजलि, जिन्होंने कात्यायन, और इन सभी के अतिरिक्त और भी जो महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सभी ने अपना जो लेखन किया है, अपना जो साहित्य रचा है, उसकी भाषा संस्कृत रही है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ है वेद, उन वे भी संस्कृत में लिखे गए हैं। और वर्तमान में तो जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को भी संस्कृत की से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत होगी, यानी कि कंप्यूटर भी संस्कृत में दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेगा और कंप्यूटर की गुणवत्ता भी संस्कृत की वजह से बढ़ेगी। ऐसा हाल ही में हुई स्टडीज के द्वारा सामने आया है। तो संस्कृत को आप अपने एक बेहतर करियर के रूप में चुन सकते हैं, बशर्ते आपकी रुचि संस्कृत को पढ़ने में, संस्कृत को जानने में, संस्कृत के साहित्य में होनी चाहिए। हिंदी की अगर हम बात करें, अगर आप हिंदी का एक विषय के रूप में चुनाव करते हैं तो आपने देखा होगा महाकवि निराला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और वर्तमान में हम सबके प्रिय आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास, ये सभी हिंदी के विद्यार्थी हैं और इन्होंने हिंदी में अपनी कलम चला करके देश और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित की है। तो हिंदी अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं, हिंदी में आप कुछ रचना करना चाहते हैं, आपके अंदर से जिज्ञासा है हिंदी साहित्य को पढ़ने में, तो आप हिंदी का अपने विषय के रूप में चुनाव कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में आपने देखा होगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उस भारत की संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने में देश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका विशेष योगदान रहता है। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम भारत की भाषाएं ही करती हैं। दोस्तों, हम सभी परिचित हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शो जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता जो आप इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये शैलेश लोढ़ा जी के बगल में, ये तारक मेहता है लेखक, जिन्होंने तारक मेहता का जो सीरियल है उस पर, वो जिस उपन्यास पर आधारित है वो गुजराती भाषा में मूलतः लिखा। तो क्षेत्रीय भाषाओं ने भी देश की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में, उसके संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आप भी अपने क्षेत्र विशेष की जो भाषाएं हैं उनको पढ़ करके, उनका अध्ययन करके अपनी क्षेत्रीय प्रांतीय संस्कृति और भारत की सभ्यता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाएं भी आपके लिए एक बेहतर करियर विकल्प हो सकती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मानव के व्यवहार के अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी जो विषय है वह है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान विषय को एक अध्ययन करने के लिए आर्ट्स संकाय का चुनाव सबसे उपयुक्त है। और मनोविज्ञान अपने आप में एक संकाय है, अपने आप में एक अध्ययन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर आप जितने भी ये बॉक्स देख रहे हैं और इनमें जो नाम लिखे हुए हैं, ये मनोविज्ञान की अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। जैसे असामान्य मनोविज्ञान जो है, जिसमें असामान्य पैरा नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में चर्चा की गई है। जीव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजी से संबंधित मानव का व्यवहार किस प्रकार, बायोलॉजी जो होती है वो मानव के व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। कोई समस्या होने पर उसका जो डॉक्टर क्लिनिकल उसका जो उपचार करते हैं, निदान करते हैं उस समस्या का, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। बालक के अंदर संज्ञान का विकास कैसे होता है, मनुष्य अपने संज्ञान को कैसे विकसित करता है, वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आता है। इसी तरह से कम्युनिटी, नाम से ही पता लग रहा है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, जैसा कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये सेशन में जो आपके लिए आयोजित कर रहा हूँ,
ये भी एक तरह का काउंसलिंग सेशन है, तो इसका एक विस्तार से अध्ययन काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर क्रिटिकल साइकोलॉजी, आलोचना का जो मनोविज्ञान है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकास का मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का जो विषय है वह है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें एक शिक्षक किस प्रकार से बालकों को पढ़ाएगा, समाज के प्रति इसके क्या उत्तरदायित्व है, बालकों को किस प्रकार से समझा जाएगा, ये सभी बातें उसमें होती है। विकासात्मक मनोविज्ञान, मानव का विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो अपने जीवन में विकसित होता है। आपराधिक मनोविज्ञान, यानी कि अपराध मनोविज्ञान का मतलब होता है किस प्रकार से मानव के अंदर अपराध की प्रवृत्ति जागृत होती है, ये सारी चीजें ग्लोबल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, कुल मिलाकर के जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, साइकोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव साइकोलॉजी, पर्सनालिटी साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दे रखा है योगा साइकोलॉजी, जो आज योग की विज्ञान की बात हो रही है, तो वो भी एक मनोविज्ञान का हिस्सा है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आपको इंसान के व्यवहार को समझने में, व्यवहार को समझ करके उसको परिमार्जित करने में रुचि है और आप इसमें अपना करियर देखते हैं, तो आपको निसंदेह मनोविज्ञान के लिए आर्ट्स संकाय को निश्चित रूप से चुनना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे आगे, इसके अलावा जो मनोविज्ञान के अतिरिक्त जो अन्य आर्ट्स संकाय के विषय हैं उन पर एक नजर डालते हैं। आर्ट्स संकाय में हम देखते हैं वर्तमान में योग को आप एक करियर के रूप में चुन सकते हैं। आज जब पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है और आने वाले समय में ऐसी कितनी महामारी आएंगी और मानव का स्वास्थ्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो आप योग को अपना करके, योग को एक विषय के रूप में अपना करके, अपना व्यवसायिक रूप में भी योग को एज ए प्रोफेशनल आप योगा टीचर बन सकते हैं और योग सिखा करके लोगों के जीवन में आरोग्य भर सकते हैं। इसके बाद में जो समाज शास्त्र है, समाज से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारी है, समाज के विकास से जुड़ी हुई बातें, तो आप समाज शास्त्र का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप एक दार्शनिक के रूप में अपना जीवन सोचते हैं अपने आप को, तो आप दर्शन को आप अपने विषय का चुनाव के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, विभिन्न दर्शनों के बारे में जान सकते हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके संगीत में रुचि है, तो आप म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। संगीत जो कि भारत की वैदिक कालीन परंपरा सामवेद से लेकर आधुनिक संगीत तक का जो संपूर्ण जानकारी है, वो आप म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट के रूप में चुन करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो है, उनको भी आप एक आर्ट संकाय लेने के बाद में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है, इतिहास, अर्थशास्त्र तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड एक स्ट्रीम अपने आप में कह सकते हैं अर्थशास्त्र को, जिससे भारत के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स है, बजटिंग का काम है, पब्लिक फाइनेंस का काम है, सरकार के द्वारा जो लोगों के लिए योजनाएं बनाने का काम है, वो सभी इकोनॉमिक्स से जब आप पढ़ करके निकलते हैं तो आपको इनमें अपनी सेवाएं देने का मौका मिलता है। ज्योग्राफी, आपकी अगर ज्योग्राफी में रुचि है, भूगोल में रुचि है, पृथ्वी कहाँ पर कैसी है, ये दुनिया किस प्रकार की है, कौन से ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं, तो इन सभी चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी एक बेहतर ऑप्शन है। पॉलिटिकल साइंस आप अपने विषय के रूप में चुनाव कर सकते हैं। होम साइंस, घर को किस प्रकार से बेहतर ढंग से चलाया जाए, घर को किस प्रकार, घर का जो विज्ञान है, गृह विज्ञान, उसको आप चुन करके आप बेहतर गृहिणी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लीगल जो स्टडीज हैं, आप एक लॉयर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आगे आप जुडिशियली सर्विसेज में आप जा सकते हैं, तो लीगल स्टडीज भी आप एक बेहतर ऑप्शन यहाँ पर है। मास मीडिया, जर्नलिज्म का जो क्षेत्र है, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, चित्रकार आप बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, उद्यमी आप हो सकते हैं। इसके अलावा आप जिम्नास्टिक का काम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में आप जा सकते हैं, फैशन की स्टडी आप कर सकते हैं, किस प्रकार का फैशन सेंस होना चाहिए, और इसके अलावा भी अन्य अनेकों जो स्ट्रीम्स हैं उनमें आप जुड़ सकते हैं, और इस प्रकार से आर्ट्स में आप अपना सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स से जुड़ी हुई किसी भी सब्जेक्ट की आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। बारहवीं जब आप आर्ट संकाय से उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके सामने कई सारे कोर्सेज को करने के ऑप्शन होते हैं, जिससे अलग अलग आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। सबसे पहले आप बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए का कोर्स कर सकते हैं, बीए को आप इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं, टीचर की लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में अगर आप बैचलर करना चाहते हो तो बीपीएड कोर्स आपके लिए है, बिजनेस स्टडीज आप करना चाहते हो तो बीबीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स का जो क्षेत्र है उसमें आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं,
बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, प्रबंध के क्षेत्र में आप बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क का आप वर्क कर सकते हैं, कोर्स आप आगे 12वीं के बाद में कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का आप काम कर सकते हैं, डिजाइन का आप बैचलर कोर्स कर सकते हैं, बीबीए के साथ में आप एलएलबी कर सकते हैं, बीए के साथ में आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, जो कि आपको एक लॉयर के रूप में, अधिवक्ता के रूप में आगे अपना करियर बनाने के लिए जरूरी होगा। आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के अन्य अनेकों कोर्स, जो कि आर्ट्स, देखिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही विस्तृत स्ट्रीम है और इसकी बहुत सारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, तो उन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपकी रुचि है, आप इनमें अध्ययन करना चाहते हैं, अपने जीवन में इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निसंदेह आपको आर्ट्स को अपने करियर के रूप में चुनाव करना चाहिए। इसके बाद में आता है ये सब्जेक्ट जो है कि आपको किस, इनका आधार क्या हो चुनने का, क्यों आप इन सब्जेक्ट को चुनेंगे, तो आइए उस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक जनरल सी बातें जो लोगों के बीच में आती है, उन सभी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके सभी साथी जो अपने दोस्त हैं टेंथ में, जो उनके दोस्त थे, अगर वो आर्ट्स ले रहे हैं, तो केवल इस वजह से उनको आर्ट्स नहीं लेनी चाहिए कि सब आर्ट्स ले रहे हैं तो मुझे भी आर्ट्स लेनी चाहिए, या फिर एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया है कि जिनके टेंथ में मार्क्स कम आते हैं, जो कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वे ही आर्ट्स लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के माता पिता उन्हें कोई अफसर बनाना चाहते हैं, आईएएस कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, पुलिस अफसर बनाना चाहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि माता पिता आपको क्या बनाना चाहते हैं, आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम का चुनाव नहीं करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि कोई उदाहरण दे रहा है, आपके मन में खुद उदाहरण आ रहा है कि उसने भी आर्ट्स ली थी, देखिए आज वो कितना बड़ा अफसर बन गया है, तो ये आपके सब्जेक्ट को चुनने का आधार कदापि नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा तो क्या आधार होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। आपका आधार होना चाहिए कि अगर आपकी रुचि साहित्य में है, अगर आपकी रुचि दर्शन में है, अगर आपकी रुचि मनोविज्ञान में है, जितने भी विषयों के बारे में हमने चर्चा की, अगर आपकी उन विषयों में रुचि है तो बेशक आपको आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। अगर आपकी रुचि फाइन आर्ट्स यानी कि संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि में रुचि है, तो भी आपको आर्ट्स संकाय का चुनाव करना चाहिए। आपका खुद का सपना होना चाहिए कि मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे आरएएस बनना है। इस तरह का अगर आपका अफसर बनने का खुद का सपना है, अंदर से आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, तभी जाकर के आपको आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। और आर्ट्स के जितने भी विषयों पर मैंने चर्चा की अभी की है, उन विषयों में से अगर आपको कुछ विषय पसंद है, जिनको की लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका की आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो निस्संदेह आपको आर्ट्स संकाय का ही चुनाव करना चाहिए। दोस्तों आगे अब बात आती है कि हमने इनकी विषयों का जाना, विषयों का चुनाव का आधार क्या हो, हमने इसको जाना, लेकिन ये सभी बातें तभी सार्थक हो सकती हैं जब आर्ट्स संकाय आपको आपकी जीविका चलाने के लिए, अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से अर्थ की पूर्णता के लिए आपको करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करें। तो आइए देखते हैं आर्ट्स संकाय में कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है आर्ट्स संकाय लेने से पूर्व। आप सिविल सर्विसेज यानी कि जो प्रशासनिक और सेवाएं होती है, चाहे वो देश की केंद्र स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, उनमें आप जा सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिक के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप एक परामर्शदाता, एक काउंसलर के रूप में, एक गाइडेंस देने वाले के रूप में अपने काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको आपके सब्जेक्ट के चुनने के संबंध में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। आप एक राइटर हो सकते हैं, आप एक कवि हो सकते हैं, आप एक वकील हो सकते हैं, आप एक जज हो सकते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में अपना समाज को सेवाएं दे सकते हैं, आप एक अभिनेता हो सकते हैं, एक आप पत्रकार बन सकते हैं, आप एक चित्रकार हो सकते हैं, और इस प्रकार के अन्य अनेकों जो प्रोफेशंस हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपकी रुचि उस काम को करने में हो जो काम आप दिल से, अपने मन से, रुचि से करना चाहते हैं। इसके आगे जो ये सभी बातें हमने की और हमने जाना कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो जानने के लिए जरूरी कुछ बातें हैं जो मैं आपको एक सलाह के रूप में, एक मोर नॉलेजेबल पर्सन होने के नाते आप सभी विद्यार्थियों को मैं देना चाहूंगा कि आप कोई भी संकाय का चुनाव करते समय दसवीं के बाद में, चाहे आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, उनमें आपको कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। चार बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो चार बिंदु कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि कोई भी संकाय स्ट्रीम अच्छा या खराब नहीं होता। आपको ये जो एक पूर्व धारणा समाज में बनी होती है कि ये स्ट्रीम अच्छा है, ये स्ट्रीम खराब है, आर्ट्स तो बेकार बच्चे लेते हैं, साइंस इंटेलिजेंट बच्चे लेते हैं, कॉमर्स मीडिएटर बच्चे लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर संकाय अपने आप में परफेक्ट है, उसकी अपनी एक उपयोगिता है, उस पर आपको अपना योग्यता को जांचते हुए, आपके लिए उपयुक्तता को
देखते हुए ही उसका चुनाव करना चाहिए। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, प्रत्येक बालक व्यक्तिगत भिन्नताएं लिए होता है, उसका आर्थिक सामाजिक जो परिवेश होता है वो उसको एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो इस वजह से हमें हमेशा किसी भी बालक को जब सब्जेक्ट का चुनाव करना हो, उसके माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान दें कि आप तुलना ना करें बालकों के बीच में कि अरे उसके बालक ने, उस फलाने व्यक्ति के बालक ने ये सब्जेक्ट ली थी तो आज देखिए वो कितना आगे बढ़ गया है। इसके बारे में मैंने चर्चा पहले, बालकों पर किसी भी विषय को लेने का अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए। विषय का चुनाव दबाव रहित अवस्था में आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा प्रेरित होकर के ही करना चाहिए। और अंतिम बात, आपके लिए सबसे उपयुक्त विषय कौन सा है, इसकी जांच आपकी रुचि, योग्यता, जीवन में क्या करना चाहते हो, इस प्रकार के प्रश्न बालक को खुद से पूछने चाहिए। बालक को खुद की काउंसलिंग खुद करनी चाहिए, अपने बारे में एक समझ बनानी चाहिए, उसके बाद ही किसी की होड़ में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, खुद की अभिप्रेरणा से, खुद की रुचि से आपको अपने संकाय का चुनाव करना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको अपना संकाय का चुनाव करने में मदद करेंगी। इन सभी बातों को जानने के बाद में भी अगर आपको आर्ट्स संकाय के संबंधित या अपने करियर से जुड़ी हुई किसी भी बिंदु पर कोई भी दुविधा है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमसे आप संपर्क करने के लिए इन सभी लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यथासंभव सहयोग करेंगे आपका और प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं को दूर कर सके। आने वाला जो हमारा सेशन होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये सेशन हमने आर्ट्स स्ट्रीम पे किया है। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे कि जो विज्ञान यानी कि साइंस स्ट्रीम है उसका चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, उसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको साइंस स्ट्रीम को सिलेक्शन करते समय ध्यान में रखनी है, साइंस स्ट्रीम में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके सामने कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है, इन सभी की चर्चा हम आने वाले सेशन 2 में करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ प्रोग्राम के अंतर्गत करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूरतमंद विद्यार्थियों तक जिन्होंने अभी अभी 10th या 12th की एग्जाम पास किए उन तक आप पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें और हमारा प्रयास सफल हो सके। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा।